देखो एक ये ड्रेस लाई हूँ येलो कलर की, इस पे बारीक काम हो रहा है, धागे का है, बहुत खराब नहीं होएगी बिल्कुल भी। देखो धुलोगे तो खराब नहीं होगी, बहुत अच्छी ड्रेस है। और इसको अगर आपको हैवी बनाना है तो इस तरह का जो ये जो पेच वर्क आता है वो इस पर आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है जैसा आपको करना है। ये मुझे अच्छी लगी, मुझे इसी तरह की पसंद आती है ड्रेस, तो इसलिए मैं एक तो ये लेके आई हूँ। और इसी तरह की एक और है, ये मैंने पन्नियों में इनमें थी, इनमें से निकाल के रख लिया आपको दिखाने के लिए। एक ये है वाइट कलर की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर भी रेशम का वर्क हो रखा है। और ये तो मैं बिल्कुल ही एक सस्ते वाली लेके आई हूँ, इसको मैं सजाऊं। और ये लेके आई हूँ एक पिंक कलर के हैं, एक रेड कलर के हैं, ये रेड वाले इस पे चल जाएंगे इस वाली ड्रेस पे, और वाइट और ये रेड वाले इस पे भी चल सकते हैं, वाइट इसके लिए है। और जो मैं जन्माष्टमी में पहनाऊंगी ड्रेस, दो इनमें से, एक इनमें से और एक ये जो मैं लाई हूँ कान्हा जी को पढ़ाने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ जब उनका जन्म होगा उसके बाद मैं पहनाऊंगी। देखो ये वाली ड्रेस, ये बिल्कुल मास्टरपीस है, बहुत सुंदर है, पूरी ड्रेस पे मोती वर्क हो रखा है, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी ड्रेस है, बहुत ही सुंदर है, लाजवाब। इसके मैचिंग है ये पिंक वाले हाथों के जो हैं, और इसके मैचिंग लाई हूँ मैं उनकी एक कंठी, और ये है इसी के मैचिंग लाई हूँ पगड़ी। पगड़ी बाकी मेरे पास बहुत सारी हैं तो मैं वो लगाऊंगी, लेकिन इस वाली के लिए मैं ये वाली पगड़ी लेके आई हूँ। ये लटकन लगी हुई है इसमें, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। ये तो हो गया कान्हा जी का सामान, और ये लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए ही पंखा, मोर पंख वाला। और ये लेके आई हूँ माता के लिए ड्रेस, एक जन्माष्टमी के लिए ही, और ये है माला माता के लिए। और ये कपड़े लाई हूँ मंदिर के लिए, इससे इन दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाऊंगी, बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। और एक माला ये भी है लड्डू को, मेरे पास ये इस तरह के मोती रखे हैं तो ये मैं मोती लगा दिए इस पे चारों तरफ इस तरह, और अभी और भी डेकोरेट करूंगी। मेरे पास ये एक पुरानी पगड़ी थी तो इस पर समझ नहीं हटा लिया, इस पगड़ी को मैं अब नया रूप देती हूँ। लैस के टुकड़े हैं मेरे पास, इसे हम पीछे से यहाँ से लगाते हुए अब ना ये जो पेच है ये पगड़ी मैंने पूरी कवर कर दी है, देखो अलग कपड़े उससे लेस है, इस पर मैं यहाँ पे ये लगाऊंगी और इस पर मैं लगा दूंगी ये वाला पेच इस तरह। एक ये लग गया, एक इधर लगा दूंगी। तो ये इस तरह पगड़ी होगी यहाँ पे दोनों, अभी एक पेच में यहाँ पे भी लगाऊंगी। ये गोल वाला जो पेच है इसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ऐसे, तो मेरी एक पगड़ी बढ़िया बन के घर में ही तैयार हो जाएगी।
ये मैं बीच में हल्का सा क्ले लगाऊंगी ग्लू, और ये ग्रीन वाला मोती मैं इस पे यहाँ पे लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पगड़ी बन गई है, एक पुरानी पगड़ी से बना सकते हैं इसको। तो मेरी ये एक पगड़ी तैयार हो गई है रेड कलर की। तो जी देखो, ये वाली ड्रेस पे मैंने पूरी पे मोती लगा दिए, और ये वैसे तो मिली है मेरे को प्लेन बिल्कुल 70 रुपीज़ की, लेकिन जिस पे मोती लगे हुए थे वो थी 200 रुपीज़ की। तो ये मोती 10 रुपये के भी नहीं है जो इस पे लग चुके हैं, और ये 200 की बन गई, ठीक है। और इसके साथ ये ब्लू वाली पगड़ी, इस पे मैंने ये मोती लगा दिए हैं 3, तो ये इसके मैच की हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली भी एक सिंगल पगड़ी थी, इसके ऊपर मैंने ये पेच लगा दिया है, तो ये भी महंगी वाली पगड़ी बन गई है, ठीक है। ये अभी अभी लगाया मैंने, देख सकते हैं अपन अंदर, इसमें ग्लू गन लगी, वो ग्लू गन से ग्लू लगा के और चिपका दिया ये वाला पेच। ये वाले पेच देखो मेरे पास हैं, ये रे, तो ये वाले पेच मैंने इस पे लगा दिया है, तो ये भी नई पगड़ी बन गई है। देखो ये तो बहुत बार देखी है आपने कान्हा जी के जो मैं लगाती हूँ, और ये अभी आपके सामने मैंने नई बनाई है। एक मेरी ये पगड़ी तैयार हो गई है नई सी ही बिल्कुल, और ये भी नई है। ये मैं अभी तीज पे लेके आई थी उनके साथ, उनके लिए ग्रीन कलर की, और ये तो नई है ही जो अभी नई लाई हूँ। और इस वाली पगड़ी का भी मेरा मोती हटा हुआ था, तो अभी पिंक कलर का तो मेरे पास था नहीं, तो ये वाला मोती मैंने इस पे भी चिपका दिया है, ठीक है। एक ये है पगड़ी, बहुत सारी हो रही है, एक ये है, तो इसलिए अब मैं पगड़ी नहीं लाई हूँ कान्हा जी के लिए, एक ही लाई हूँ, मतलब ये नई ड्रेस के साथ अलग से नहीं लाई हूँ। इसमें एक माला पड़ी है, माला वगैरह लाई हूँ वो मैंने दिखा दिया आपको। देखो ये डब्बा पगड़ियों का ही है, और अभी मैं एडजस्ट करके भर दूँगी, सब इसी में आ जाती हैं। और एक ये छोटी सी ये वाली भी है सिंपल वाली मोती वाली। देखो ये मेरी 4 चूड़ी हैं पुरानी, इनसे मैं कुछ बनाने वाली हूँ, इनके ऊपर मैं लपेटूंगी ये वाला रिबन पूरा, अभी लपेट के दिखाती हूँ आपको। देखो ये इस तरह लपेटना है, ये रिबन मिल जाता है टेलर की दुकान पे 3 रुपए मीटर। अरे ये क्या बना रही हूँ मैं, ये मंदिर के लिए ही बना रही हूँ, ये आपको ना लगाने के बाद ये दिखेगा, तभी पता चलेगा आपको ये क्या है। बस ये बनाना दिखा रही हूँ, जब लगाऊंगी जब दिखाऊंगी तब आप बताना कि ये कैसे लगे हैं। अभी लपेट के तैयार कर लेती हूँ इन दोनों पे भी और इसको भी। ये मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ इस पे इस तरह, और ये मैं क्या बना रही हूँ ये आपको जन्माष्टमी वाले दिन पता चलेगा, और नहीं तो आप देख सकते हैं फिलहाल मैं बना के पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। और इस पे मैं टांगने वाली हूँ दही हांडी, किशन जी को पसंद है ना मक्खन की और दही की हांडी, तो वो मैं इस पे टांगूंगी। अभी मैं हांडी भी डेकोरेट करूंगी, जो छोटे वाली वो होती है ना दशहरे वाली कुल्हो बोलते हैं, छोटी छोटी मटकी जो होती है, आप उन्हें सजा सकते हैं इसमें रखने के लिए। ऐसे यहां से कट कर दूंगी, और अच्छे से आप इस पे गम लगा देंगे ग्लू, क्योंकि ना मोती निकल जाते हैं इसके। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे चारों तरफ एक लैस और लगाऊँ, क्योंकि ये ज़्यादा प्लेन सा लग रहा है, तो इसके ऊपर ये वाली लैस भी लगाऊँगी इस तरह। यहीं से शुरू कर देती हूँ जहाँ से ये बंद हुई है, ये करते हुए
ये ऐसे, ये हमारा बनके तैयार है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो हो वो से आप काट सकते हैं। ये देखो, ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। ये इस तरह आप देख सकते हैं, ये वाली लेस 15 रुपये मीटर आई है और 1 मीटर में बहुत सारे बन जाएंगे, देख सकते हैं आप। ये मैंने बनाया 2 और सोच रही हूँ 2 और बना लूँ। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इसमें 5 वो आ गए हैं टसल्स, इसमें 4 ही आई हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं, आपको चूड़ी तो थी मेरी 2, उन चूड़ियों को मैंने कवर करके उन पे ये लगा दिया इस तरह। देखो पायल ने हाथ में भी पहन लिया है। आप इसे कड़े की तरह भी यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर पीस बन गया ये। लेकिन मैं इनका कुछ और यूज करूंगी, अभी दिखाऊंगी आपको बाद में। देखो जी, 4 बना दिए मैंने, ये एक ये रहा, एक ये रहा और 2 ये, 4 बनाए। और 4 का क्या क्या इस्तेमाल होता है अभी बताएंगे आपको। देखो ये मटकी मैंने सजा रखी है पहले से, मतलब ये मैंने दिवाली वाली पे सजाई थी, तो ये इसी में इस तरह आप रख के इस तरह इसमें वो भर सकते हैं मक्खन मछली जो भी। अभी मैं इसमें इनकी डंडी बनाऊंगी एक कान्हा जी के लिए, और इनमें भी थोड़ी सी और डेकोरेशन करती हूँ यहाँ पे, अच्छा सा कुछ लगाती हूँ इन्हें। जैसे ये वाली लेस है तो थोड़ी थोड़ी मैं ये वाली लैस इनके ऊपर इस तरह लगा दूंगी, तो थोड़ी ये सुंदर सी लगने लगेंगी, और थोड़ी सी इस तरह करके, ठीक है। इस तरह पेपर को ना गोल गोल मोड़ के इससे हम बंसुरी सी बना लेंगे। इस तरह बना लेंगे इसकी गोल गोल बंसुरी सी। अब हम इसको ना थोड़ा इससे डेकोरेट कर देंगे, इससे ऐसे ऐसे करते हुए बंसुरी सी बना। देखो ये मैंने डेकोरेट कर लिया, ये इस तरह की हुई है। और जब हम इन्हें हांडियों को उनमें टांगेंगे जो हमने गोल गोल बनाए हैं, तो उसमें इस तरह इन्हें रखेंगे और इसमें रुई भर देंगे दिखाने के लिए कि भाई इसमें मक्खन मिश्री है जाता है, तो इस तरह हम इसे सजा सकते हैं। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नई डेकोरेशन के साथ। जन्माष्टमी पे कैसी डेकोरेशन करती हूँ देखते रहिए मेरी वीडियो को।